أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم پیارے ساتھیو ذہن لابی انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساری میرے پر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا لیسن پی ایچ پی کے بارے میں ہے اور پی ایچ پی ایک ویب ڈیزائننگ لینگویج ہے اور ایڈوانس ٹائپ کی ویب ڈیزائننگ لینگویج ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن और पी एच पी के अंदर आज का हमारा जो लेसन होगा वो पी एच पी फॉर ईच लूप के बारे में होगा। फॉर ईच लूप पी एच पी के अंदर चार लूप आते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फॉर ईच लूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फॉर ईच लूप को असल में ये फॉर ईच लूप जो है वो एरेज के लिए यूज़ होता है। एरेज की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं। जैसा कि पिछली दो वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एरे कितनी किस्म के होते हैं, दो तरह के एरे होते हैं, एक इंडेक्स एरे और एक एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स एरे के अंदर हर वैल्यू की एक इंडेक्स होती है 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और वो हर वैल्यू एक इंडेक्स के अंदर प्रिंट होती है, ठीक है जी। और एसोसिएटिव एरे के अंदर यहाँ पर ये की है और ये वैल्यू है, तो वैल्यू जो है की के साथ एसोसिएट होती है, इसलिए इसको एसोसिएटिव एरे कहते हैं। तो एसोसिएटिव एरे जो है के अंदर हम बड़ी डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है को आपको इसकी पिछली वीडियो के अंदर चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उसकी समझ आई होगी। तो इन दोनों तरीकों के एरे को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो अगर ठीक वैल्यू इन दोनों की, ये नहीं दोनों एरे इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे की जो वैल्यू है, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। फॉर ईच लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या है, ये बेसिक सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप यहाँ पे एक वेरिएबल और फिर एज, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल फॉर ईच लूप लिखेंगे, सबसे पहले फॉर ईच लूप लिखेंगे, उसके बाद राउंड वर्सेस और बीच में एज लिखेंगे और फिर उसके बाद फॉर ईच लूप का एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर इसमें यह होता है कि फॉर ईच लूप एरे की हर वैल्यू के लिए चलता है, हर वैल्यू के लिए चलेगा। अगर आपके एरे के अंदर तीन वैल्यू हैं तो वो तीन बार चलेगा, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग चलेगा, ठीक है जी। तो इसमें ये बेसिकली करता क्या है, ये एरे की वैल्यू को उठा के वैल्यू नाम के वेरिएबल में डालेगा। यहाँ पे एरे की वैल्यू को उठा के वैल्यू वेरिएबल नाम के वैल्यूएबल के अंदर डालेगा, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे डालेगा और जिसको जाकर अंदर स्टेटमेंट में कहीं हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इसका जो सिस्टम है, ये 10 है, इसको यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे डालेगा, चलेगा, प्रिंट होगा, फिर 20 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये डालेगा, प्रिंट होगा, इसी तरह ये लूप चलता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये जो चलता है। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर चलते हैं, टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमने जो है वो कोड लिखा PHP का, और PHP के अंदर हमने जो है वो एक वेरिएबल बनाया। कौन सा वेरिएबल है जी, CULORS कलर्स और इक्वल टू ये ब्रैकेट हमने लगा दी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, रेड तीन वैल्यू हमने डालना है, रेड, ग्रीन और यहाँ पे हम ब्लू डाल देते हैं। और यहाँ पे इसको हम जो है वो करेंगे फॉर ईच और इसके अंदर हम डॉलर का साइन, CULORS कलर्स, एज और यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे हम
वैल्यू की वैल्यू का वेरिएबल बनाएंगे, और इसके अंदर फिर यहाँ पे हम ACH इको डॉलर का साइन VLU वैल्यू। अच्छा ये जब हम यहाँ पे कर लेंगे तो इसको हम ब्राउज़र के अंदर जाके, ये मैंने लोकल होस्ट और अपनी फाइल ओपन की हुई है, तो यहाँ पे भी फॉर ईच लूप के नाम से हमने फाइल बना ली थी, वो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू तीनों आ गए, तो इनको स्पेस डालने के लिए कॉन्कैटिनेशन डालेंगे, नोटर कामा, और यहाँ पे बीआर का डाल देंगे, और ये तीनों एक रो कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये तो एक पहला आपका जो हो गया सिस्टम कि फॉर ईच लूप को जो है, अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिव जो एरे हमारा था जो पीछे हमने बनाया था उसको फॉर ईच लूप के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ज़ाहिर अभी आपको पता है कमिट करूँगा, और कमिट इसलिए करूँगा कि मुझे इसको ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, वेरिएबल हमारा बनेगा जी एज, और यहाँ पे लिखेंगे जी जेड एज जी जेड, और इसका इस तरह हमने बनाया था, मुझे याद होगा आपको एसोसिएटिव एरे के अंदर हमने इस तरह इसको बनाया था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे हम डिफरेंट कर देते हैं वैल्यू, बीस कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 30, और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं बिलाल, और यहाँ पे कर देते हैं आमर। समझ आ रही है आपको? अब यहाँ पे क्या करना जी, फॉर ईच लूप के अंदर, इसके अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना है सिर्फ एज, एज एज ये तो इसी तरह एज इट रहेगा, इको में हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे इसको इसी तरह रखेंगे। ठीक है जी, सेम एज इट इज़। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एजेस आ गई। ठीक है जी, तो अभी आप चाहते हैं कि ये जो की है ये वाली, ये भी इनके नाम के साथ प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए लूप के अंदर थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, इसको दोबारा कॉपी करते हैं, और यहाँ पे दोबारा कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये ऊपर वाला तो यही रहेगा, नीचे वाले के अंदर थोड़ी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी जी, कि एज एज की एज एज के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर का साइन के ई वाई की, और इक्वल या ग्रेटर देन है, और बस ठीक है, आगे यही रहेगा। इसके अंदर हम जो है वो आगे यहाँ पे हम कीज़ को यूज़ कर लेंगे, की और कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे हम नोटेड कोट्स के अंदर जो है इक्वल यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इस इक्वल को ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के साथ डॉलर साइन VLU वैल्यू कॉन्कैटिनेशन और इनवर्टेड कॉमा। ठीक है जी, इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे। इस तरह यूज़ करने के बाद यहाँ पे इको डालकर साइन ये हो गया, एशन ये हो गई, ऊपर फॉर ईच लूप एच एस की
मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें, कहाँ पे मिस्टेक है? एरर आ रहा है ना, मिस्टेक कहाँ पे आई है? अनएक्सपेक्टेड एरर, यहाँ पे हमने जो लगाया है ये, इसके अंदर वो क्या कह रहा है? अच्छा अच्छा जी, कोई मिस्टेक इसमें आ रही है, मैं देखता हूँ इसको क्या मसला है। ओहो, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कहीं यहाँ पे हुई हुई है, डबल कोटेशन हमने यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे मिस्टेक थी। तो ये आ गया जी बंदू के नाम और साथ उसके उसकी वेरिएबल वैल्यू भी आ गई, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद नेक्स्ट एक आखिरी चीज़ है कि इसके इसको अगर हमने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट में करना है तो वो कैसे करना है। तो मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको अच्छा, अगर अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट करना है तो यहाँ पे हम ECHO इको मोटर गामा UL, ओहो UL का टैग हम यूज़ करेंगे, UL का टैग, और यहाँ पे हमने UL का टैग यूज़ कर लिया और उसके साथ हमने ये लगा दिया। अब इस UL के टैग को क्लोज करना है तो ये हमने ओपन किया टैग, इसको यहाँ पे लास्ट पे जाके क्लोज करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अभी LI का टैग कहाँ पे यूज़ करना है, इस इको के अंदर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और LI का टैग यूज़ करना है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे हम ये कंटिन्यूशन वाला ख़त्म कर देंगे, इसको भी ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे भी इसको ख़त्म करके इसके अंदर जो है हम वो LI का टैग क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा इसको ख़त्म करेंगे, ये इस तरह होगा जी, ठीक है जी। यहाँ पे कॉमा लग गया, ये नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है जी, सेव। तो ये अनऑर्डर लिस्ट में आ गया। तो ये हमारा आज का लेसन था, क्या था जी, हमारा फॉर ईच लूप के बारे में। इसको हमने एसोसिएटिव एरे के अंदर भी पढ़ा और दूसरी चीज़ें काफ़ी सारी हमने डिस्कस की, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर लगी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपका अमीन करो, अल्लाह हाफ़िज़।